हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमारे पास Redmi Note 10 Pro Max एक हैंडसेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स, मोबाइल जब तक आप चलाओ चलेगा, लेकिन जैसे आप कैमरा ओपन करते हैं तो ऐसे ये हैंग हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। देख सकते हैं ना, वीडियो में चेंज हो रहा है ना, तो ये फोटोज में आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैमरे में प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे, जो ये हैंडसेट है Redmi Note 10 Pro Max में, इसमें स्पेशली इसी हैंडसेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा ना बैक जा रहा है, ना फ्रंट जा रहा है, ना वीडियो खुल रहे हैं, ना तो आपका फोटोज ओपन हो रहे हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। देखिए, मोबाइल तो पूरा चलता है आपका, लेकिन कैमरा इसमें वर्क नहीं करेगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो हैंडसेट है इसमें प्रॉब्लम ये आती है पूरा। आपको वीडियो में क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, हालांकि ये डायरेक्ट सोल्यूशन है उन सारे हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो ऑलरेडी काम करते हैं। तो इस तरह के हैंडसेट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है हैंड स्किल की, क्योंकि फ्रेंड्स हैंड स्किल जो होता है किसी भी हैंडसेट पे काम करने के लिए, हैंड स्किल बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका हैंड स्किल अगर अच्छा नहीं है, अगर आपको ब्लैक पेस्टेड सीपीयू वगैरह खोलना नहीं आता है, तो आप ऐसे हैंडसेट को वापस दे दोगे या तो फिर कस्टमर से रिस्क लोगे। अगर कस्टमर रिस्क नहीं देता है तो वो पूरा का पूरा आपकी जान पे वो डाल देगा। अगर कुछ भी हैंडसेट में डेड वगैरह हो जाता है तो फिर आपको इसको हैंडसेट रिटर्न देना होगा बना करके जिस सेम कंडीशन में, तो आप ऐसे में परेशान हो जाओगे कि फिर करें तो क्या करें। तो फ्रेंड्स हैंड स्किल की बहुत जरूरत होती है। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तब आप इस तरह के हैंडसेट्स को रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारा ग्राफिक का इशू आ जाता है, हैंग हो जाते हैं हैंडसेट, या कैमरे का इशू आ जाता है, तो इसमें आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना होता है, जो कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू होता है। और ये जो हैंडसेट है फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट हैंडसेट ही है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप क्वालकॉम का 7150 एक क्वालकॉम का सीपीयू लग के है, जिसको हम SM7150 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम इसका सीपीयू ओपन करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू कैसे खोला जाता है, कैसे क्लीन किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया है। एक सोल्यूशन ही है आपके लिए ये, और हैंड स्किल का काम भी आपको कैसे किया जाता है ये सारी चीज इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करें। यहाँ पे देख सकते हैं SM7150, ये क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू है, चिपसेट है। इसको हमको पहले सबसे पहले साइड का ग्लू रिमूव करेंगे और उसके बाद हम सीपीयू को उठाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। सबसे पहले फ्रेंड्स साइड का जो ग्लू है उसको आपको रिमूव करना है और उसके बाद हम सीपीयू उठाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। ये एक लेटेस्ट चिपसेट है SM7150 100AB, ये वर्जन का ये क्वालकॉम सीपीयू है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, फोन फिक्स HYD की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आती है। हमारे वीडियोस के लिस्ट में जाइए, काफी सारा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है YouTube पर। शायद ही आपको ऐसा कंटेंट YouTube की पूरी हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जाकर देखिए नीचे वीडियोस के लिस्ट में, स्टेप बाय स्टेप सर्किट डायग्राम के काफी सारे नॉलेज दी गई है आपको। सबसे पहले फ्रेंड इस तरह का एक ग्लू कटर हम हैंडल ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ग्लू को रिमूव करेंगे। सीपीयू के पास में देख सकते हैं आप काफी सारे रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स लग कर हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान ये रखना है कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ से मिस ना हो। और आप साइड में देख सकते हैं काफी सारी ट्रैकें हैं जो इसकी EMMC और UFS में इन हो रही है। तो ये सारी ट्रैकों को ध्यान रखना है। नीचे आपको मदरबोर्ड को जो ट्रैक्स है उसको कट नहीं करना है, बट सिर्फ आपको ग्लू रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्लू रिमूव करने के लिए आप 240-250 के आसपास हीट रख सकते हैं। एयर आप 2-3 के बीच में रखिए, 857 DW+ में। तो इस तरह से ग्लू पहले रिमूव कर लेंगे, उसके बाद सीपीयू को उठाएंगे और सीपीयू अच्छे से क्लीन करेंगे और वापस से रिवॉल्व करके इसको डालेंगे। तो ये वीडियो में आपको एक डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं आपको कि कैमरा एरर में, कैमरा फॉल्ट में आपको करना क्या है। देख सकते हैं आप साइड का ग्लू कैसे इजीली रिमूव हो रहा है। ध्यान रखें साइड के कंपोनेंट ना निकले और नीचे जो ट्रैक्स है वो ट्रैक्स आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्लू रिमूव करना है। तो चारों साइड से आपको हीट और एयर दे करके ऑल फोर साइड में आपको पीसीबी को घुमा घुमा कर क्लीन करना है। बहुत सारे टच पॉइंट है आसपास में, देख सकते हैं RX TX की लाइनें होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो फोर साइड से अच्छे से ग्लू निकाल लें। और सबसे पहले पटरा आपको निकालना है, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है तो पटरा आपको कट करके निकालना है, हीट देके नहीं निकालना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्लू अच्छी तरह से निकालें, क्योंकि फ्रेंड्स ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो सारे कॉम्पोनेंट जो है पास में लग के जितने भी कॉम्पोनेंट सारे आईसी के साथ वो उठ के आ जाएंगे ऊपर, तो इसमें पीसीबी आपका डैमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना होता है आपको, अच्छे से ध्यान रखकर काम करना होता है। और ये इस तरह के बड़े हैंडसेट पे आपको हैंड स्किल का जरूरत पड़ती है, जो कि फोनफिक्स हैदराबाद आपको हमारे लाइव क्लास के जो सेशंस होते हैं 10 डेज 20 डेज की ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाते हैं हम लोग, जिसमें 8 घंटा पूरा फुल्ली हैंड स्किल का काम होता है और 3 से 4 घंटा सर्किट डायग्राम की नॉलेज आपको देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू को उठाने के लिए हमने एक जो प्लेस चूज की है राइट साइड में, देख सकते हैं आप कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं है, तो इस तरह का एक ब्लेड आता है, हैंडल होता है, जो कि ब्लैक प्रेशर सीपीयू वगैरह उठाने के लिए। इसमें आपको पेशेंस रखना है, हीट और एयर का ध्यान रखना है, ज्यादा भी हीट नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा भी एयर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आपका पीसीबी डैमेज हो जाएगा। तो सारी चीज हम क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं। देख सकते हैं साइड में जो शील्ड पत्रा हमने निकाला है, वो जब जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तब हम सीपीयू को उठा लेंगे। बहुत सारी टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, एयर और हीट होती है, कौन सा नोजल चलाना है, कहाँ चलाना है, हीट कहाँ पे मारना है, ये सब कुछ बहुत मायने करता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप ब्लेड कितना आसानी से ये हमारा टूल अंदर चला गया, और कहाँ तक डाले हमने देखा आपने, आगे की ओर कॉम्पोनेंट से वहां तक हमने ब्लेड को नहीं डाला है। तो सीपीयू हमारा इजिली हमने उठा लिया, देख सकते हैं कोई भी प्रिंट हुआ डैमेज नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड हार्ड ग्लू भी बहुत आसानी से हम ट्रिक बताते हैं क्लास के अंदर, वीवो के हैंडसेट में, ओप्पो के हैंडसेट में कैसे आप इजिली ग्लू क्लीन कर सकते हैं, बहुत आसानी से आईसीओ को आप उठा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारा लेड है वो लेड इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप, 27 अक्टूबर से हमारा नेक्स्ट बैच है, आ सकते हैं। एवरी मंथ 27 से हमारा ट्रेनिंग होता है, बैच होता है, और महीने में सिर्फ एक ही बैच होता है जिसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की नॉलेज आपको देते हैं, कैसे एक एक लाइन में एक एक सप्लाईयों में आपको क्या क्या चेक करना है, कितना वोल्टेज चेक करना है, सिग्नल कहाँ पे चेक करना है, क्या सिग्नल बनता है, क्या वोल्टेज कब बनता है, बक लाइंस क्या है, एलडीओ लाइंस क्या है, वीपीएस लाइन क्या है, बैटरी आईडी लाइन क्या है, बैटरी थर्मल लाइन क्या है, सारी चीज बताते हैं। I2C प्रोटोकॉल हो गया, SPI प्रोटोकॉल हो गया, रिंगर पीए, स्मार्ट पीए, और एक्सटर्नल बक के लिए क्या एसियां यूज की जाती है, रैम के लिए क्या वोल्टेजेस लगते हैं, MMC के लिए क्या वोल्टेजेस लगते हैं, लाइट के कितनी कितनी तरह की आईसियां आती है, सारा सब कुछ बताते हैं। लेग आईसी और बॉल आईसी में क्या डिफरेंस है, डिजिटल सर्किट एनालॉग सर्किट में क्या डिफरेंस है, और सर्किट जो जितने भी तरह के होते हैं एक एक चीज आपको बताई जाती है, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट और डिवाइडर सर्किट सब कुछ बताया जाता है, कैपेसिटर कैसे चेक करना है, कॉइल कैसे चेक करना है, रेजिस्टर्स को कैसे चेक करना है, थर्मिस्टर को बहुत ईजी वे में कैसे चेक करना है, डायोड को कैसे चेक करना है, जीना डायोड, TVS डायोड और रेक्टिफायर डायोड क्या फर्क है, कैसे चेक करना है, कैसे काम करता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, सारी चीज आपको बताई जाती है, प्राइमरी सप्लाई सेकेंडरी सप्लाई सब कुछ बताया जाता है क्लास के अंदर, कि MMC में कितने तरह के MMC आती है और UFS में कितने टाइप के UFS आते हैं, UFI बॉक्स को कैसे यूज करना है, इजी जटैक को कैसे यूज करना है, सारी चीज आपको बताई जाती है। पावर एसी सही है कि नहीं है कैसे मालूम करें, DC to DC कन्वर्टर हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्जिंग लोगो शो नहीं कर रहा है, बंद में शो कर रहा है, ऑन में शो नहीं कर रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, चार्जिंग नहीं बढ़ रही है, एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है, शॉर्टिंग में कैसे आपको शॉर्टिंग निकालनी है, फुल शॉर्ट में क्या यूज करना है, डीसी की स्विचिंग की ऐसी रीडिंग आपको बता देंगे कि आप डायरेक्टली फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे हैंडसेट में शॉर्टिंग होती है, लीकेज होता है, फुल शॉर्ट होता है, किसी में हाफ शॉर्ट होता है, सारा का सारा आप डीसी की स्विचिंग से काफी सारी चीज चेक कर सकते हैं। DSO का इस्तेमाल कैसे करना है, मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी कहाँ पे चेक करना है सब कुछ बताते हैं आपको। फाइनली लास्ट में हमारे पास आपको थर्मल कैमरा भी कैसे यूज करना है वो भी बताते हैं। नए नए टूल्स आते हैं, हर एक टूल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, लेटेस्ट और अपग्रेड टूल्स यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स फोनफिक्स हैदराबाद इंडिया का एक बेस्ट मोबाइल ट्रेनिंग लैब है, बिगेस्ट लैब है,
जिसके अंदर सारे के सारे ब्रांडेड टूल्स ही दिखेंगे आपको, ऑर्डिनरी आपको ट्वीजर तक पीपीडी फ्लक्स तक नहीं दिखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स सारे स्टूडेंट्स को हम ब्रांडेड टूल्स इसलिए देते हैं ताकि उनका हैंड स्किल अच्छे से बने, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट होता है, हमारी वेबसाइट है www.phonefixhyd.com, वेबसाइट में जाइए आप, हमारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, सॉल्यूशंस आपको देखने मिलेंगे, हर रोज काफी सारे सॉल्यूशंस हम उसमें अपलोड करते हैं ब्लॉग के पेज में, जरूर जाकर के देखिए वेबसाइट में। फोनफिक हैदराबाद की जो वेबसाइट है उसमें आपको काफी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, फाइल्स मिलेंगे, टेस्टेड फाइल्स मिलेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा उसमें, जरूर जाकर एक बार विजिट करिए। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के काफी सारे वीडियोस हम यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हम सीपीयू को क्लीन कर रहे हैं, और ध्यान ये रखना है आसपास के कॉम्पोनेंट कोई मिसिंग नहीं होना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी ग्लू है सारा का सारा रिमूव करना है, अदरवाइज आपका आईसी सीपीयू जब बिठाएंगे आप तो सही से नहीं बैठेगा। तो काम करना और एक अच्छी तरह से काम करने में, प्रोफेशनल वे में काम करने में बहुत फर्क होता है फ्रेंड्स। चार्जिंग पिन भी डालने में आप एक अच्छी तरीके से डालेंगे, बहुत क्लीन और साफ नीट काम करेंगे तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू में ब्लैक पेस्टेड इसकी यूएफएस है, बट उसको हम कुछ भी डिस्टेंस उसमें हम कुछ भी डिस्टर्ब ना करते हुए, साइड में जो कॉम्पोनेंट उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करते हुए हम सीपीयू पे वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह का हैंड स्किल आपको सीखना होगा अगर आप अच्छे प्रोफेशनल वे में आप काम करना चाहते हैं और अच्छा अपना मार्केट में नाम बनाना चाहते हैं, और जितनी इनकम आपको मिल रही है उसकी दुगनी तिगनी चौगनी इनकम अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना बिजनेस में आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, जो काम आ रहा है वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद के साथ। क्योंकि फ्रेंड बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो पास में इंस्टीट्यूट पढ़ता है या पास में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है या किसकी फीस सबसे कम है उस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में जा रहे हैं, बट उनको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, बस टीचर काम करके दिखा रहे हैं और टीचर का ही वो काम देखकर आ रहे हैं और इनको सीखने कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसे में वो देखकर तो आ रहे हैं बट आने के बाद दुकान में फ्रेंड्स आपको काम करना है, टीचर को काम नहीं करना होता है। तो यहाँ पे फोनफिक हैदराबाद में हम एक एक बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब पे वीडियोस जाकर देखिए लिस्ट में, सॉफ्टवेयर के टीचर हो या हार्डवेयर के टीचर हो या सर्किट डायग्राम के टीचर हो, सर हर एक टीचर एक एक स्टूडेंट्स को सामने बुला बुला कर उनके हाथ पकड़वा कर उनसे काम करवाते हैं, तभी जाकर के वो जाने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। अगर आपको इनके काम का रिजल्ट देखना है कोर्स करने के बाद, हमारे फेसबुक के स्टेटस पे जाइए, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाइए, डेली आपको इनका काम किया हुआ पोस्ट आपको देखने मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड हजार से ज्यादा बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, हर एक कंट्री से आते हैं, सऊदी, दुबई, यूके, लंदन, पिछली बार बांग्लादेश, नेपाल, काफी सारे स्टूडेंट नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, न्यूजीलैंड से, सऊदी से, दुबई से काफी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, हर स्टेट के बच्चा यहाँ पे हर बैच में आपको देखने मिलेगा, गुजरात हो या बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या उड़ीसा हो या आसाम हो, नेपाल हो, बेंगलुरु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कोलकाता, अहमदाबाद, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। हर स्टेट में आपको एक फोनफिक्स हैदराबाद का बच्चा दिखेगा और वो अपने अपने मार्केट में सबसे बेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। आप किसी भी स्टूडेंट का आप नंबर चाहे तो नंबर दे सकते हैं, वो हमारे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो जिस लेवल का ट्रेनिंग आपको फोनफिक्स हैदराबाद की टीम आपको देती है, इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं कि बच्चा जाकर के अपने लैब में खुद से काम कर सके। दोबारा हमारे पास बच्चे इसलिए नहीं आते फ्रेंड्स क्योंकि उनको एक बार में इतना हैंड स्किल क्लियर हो जाता है, दोबारा वापस से अपडेट के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, और इनको हम सपोर्ट देते रहते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या यूट्यूब पे वीडियोस बना बना कर उनको सपोर्ट देते हैं। ये एक कारण है कि स्टूडेंट्स जो है कभी दोबारा किसी और ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते हैं, अच्छे लेवल पे वो काम कर लेते हैं। दोस्तों बोर्ड को सबसे पहले हमने क्लीन कर दिया है, अब बारी आती है सीपीयू की। जैसा कि आप देख सकते हैं सीपीयू को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह का पीसीबी होल्डर है जिसमें हम आईसीबी होल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है और इसे ब्लैक पेस्टेड या डुअल लेकर वगैरह के लिए या फिर सीपीयू वगैरह क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लक्स इसमें डाला, दूसरे नंबर पे हमने इसमें सोल्डरिंग जो हमारा वायर होता है उसे मिक्स कर लिया, नॉर्मल लेड जिसे हम कहते हैं,
इसे मिक्स करने का कारण ये होता है फ्रेंड्स कि जो ओरिजिनल पीपीडी होता है सीपीयू के ऊपर वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम अपना पीपीडी मिक्स कर लेते हैं। जितना इसमें आयरन से निकल जाता है ग्लू उतना निकालना है, ताकत बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ताकत लगाएंगे तो आप सीपीयू डैमेज हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाफ साइड से पहले हमने इसको मिक्स किया हमारा लेड, और उसके बाद दूसरे साइड से हम इसमें लेड मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम थीनर से एक बार इसको साफ कर देंगे अच्छे से, एक बार डिसोल्डिंग वायर भी क्लीन कर लेते हैं, डिसोल्डिंग वायर भी इसमें घुमा देते हैं, और जितना ग्लू निकालना है उतना ही निकालिए, बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है फ्रेंड्स। हमारा जो काम है टेक्निक और स्किल का काम है, हैंड स्किल का काम है, ताकत का काम नहीं है। और फ्रेंड्स चैनल पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको बेसिक के भी मिलेंगे, एडवांस के मिलेंगे, सुपर एडवांस मिलेंगे, हैंड स्किल का काम के मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बहुत ही कम टाइम हमारे पास होता है फ्रेंड्स। टाइम निकाल कर बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, उसमें वॉइस ओवर कम करते हैं, और बच्चों को सपोर्ट देना होता है, आने वाले बच्चों को भी देखना होता है, काफी सारा काम होता है। उसके बावजूद भी हम YouTube पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बच्चे अभी आए नहीं है, जो आना चाहते हैं, जिसके पास इस तरह का काम आता है वापस जा रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता रहे फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। तो हम लोग इस तरह के वीडियोस बनाकर आपको देते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए पूरी टीम मेहनत करती है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप, कोई वीडियो ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एडिटिंग कर रहे हैं, कोई वॉइस ओवर कम कर रहे हैं, तो इस तरह का आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक साइड से हम इसका सीपीयू के ऊपर जो ग्लू है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, ताकि आपको इस वीडियो से उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बुक करना है आप बुक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करिए, कोर्स का डिटेल ले लीजिए। हर महीना एक ही बैच होता है हमारे यहाँ पे 20 दिन का, 27 तारीख से बैच होता है, और रहने के लिए रूम फ्री रहता है आपको, कोई चार्ज नहीं है। टेस्टेड फाइलें देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 TB से 2 TB तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मदरबोर्ड देते हैं वर्क करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं मदरबोर्ड का। और सबसे कम इंडिया के अंदर फीस हमारी 45,000। दोस्तों अगर आप फीस कम देखकर कहीं पे भी जा रहे हैं, जो आपको मदरबोर्ड अपने से लाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप मदरबोर्ड लेकर जाओगे नहीं, वैसे ही चले जाओगे। और इसीलिए फ्रेंड्स हमारे पास कारण यही है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं कि बोर्ड्स कहाँ से मिलते हैं, स्क्रैप बोर्ड कहाँ से लें, यही एक कारण है कि हम खुद मदरबोर्ड हमारे पास से देते हैं, दो ब्लैक पेस्टेड, दो व्हाइट पेस्टेड, एक डुअल लेकर का बोर्ड, और एक ऑन 4G का हैंडसेट देते हैं। कीपैड पे हम काम बिल्कुल भी नहीं कराते हैं फ्रेंड्स, 4G हैंडसेट, 5G हैंडसेट पे काम कराते हैं, जिसमें आपको एक ऑन 4G का सेट मिलता है, जिसमें सीपीयू निकाल के आप 3 से 4 बार डालते हो, जिसमें पावर निकाल के डालते हो, जिसमें MMC निकाल के आप रिवॉल्व करके डालते हो। सबसे पहले आपको रिवॉल्विंग सिखाई जाती है, आईसी लगाना निकालना सिखाया जाता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के बहुत कम टेक्नीशियन है जिसको आईसीओ का काम आता हो। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ईजी तरीके से हम यहाँ पे सीपीयू को क्लीनिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस तरह का आपका भी हैंड स्किल हम बना देंगे 20 दिन के अंदर, जब डेली 10 घंटा क्लास होती है, 8 घंटा आप हैंड स्किल का काम करते हो और 3 घंटा सर्किट की आपको नॉलेज देते हैं, तो बहुत आसानी से आप इस तरह का काम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप साथ साथ 6-6 घंटे बैठ के थ्योरी सिर्फ सुनते रहोगे तो आपका हैंड स्किल बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। यही एक कारण है कि हमारे यहाँ पे 8 घंटा आपको हैंड स्किल का काम कराते हैं और 2 से 3 घंटा आपको सर्किट की नॉलेज देते हैं, जिससे आप बहुत ईजिली आप वर्क कर सकते हैं। तो सीपीयू क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व कर लेते हैं और रिवॉल्व करके वापस से लगा लेंगे, तो देखते हैं हमारा कैमरा वर्क करता है कि नहीं करता है। क्योंकि फ्रेंड इसमें होता क्या है, ड्राई सोल्डिंग हो जाने की वजह से सिग्नल इसमें से पास नहीं होते हैं, आउट नहीं होते हैं, और सिग्नल नहीं आने की वजह से कैमरा काम नहीं करता है। बहुत सारे हैंडसेट में फ्रेंड्स अपडेट करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, कोई भी फोन को अपडेट करने से पहले ध्यान रखें, उस पर काम करें। सो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछली बार फ्रेंड्स इस वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग में एडिटिंग वाले भाई साहब ने थोड़ा दूसरा सीपीयू का ऐड कर दिया था, उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सीपीयू यहाँ से ये वीडियो कंटिन्यू होना था, बट किसी कारण वो दूसरा वीडियो इसमें ऐड होने के कारण कभी कभार ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो ये वीडियो फिर से हमने अपलोड किया है प्रॉपर इसका वीडियो बना करके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो सीपीयू की रिबॉलिंग का जो पार्ट था फ्रेंड्स, वो दूसरा कुछ आ चुका था, जिसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहना चाहूंगा, उन भाइयों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने नोटिस किया। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास
जो एडिटिंग वाले भाई साहब है उनको थोड़ा उतना नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा सा मिक्स हो गया था उसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है, गलती होना भी चाहिए, और इससे ये भी पता लग जाता है कि कितने हमारे चाहने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो बीच का पार्ट था ये वापस हमने डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वापस से सीपीयू को लगा लेंगे मदरबोर्ड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू है, एक बार फ्लक्स डाल के फिर से हीट करेंगे ताकि अच्छे से ये रिवॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए सीपीयू लगा लेते हैं। और वापस से लगा लेते हैं इसमें, और लगाने के बाद सीपीयू लगाने के लिए आपको साइडों में जो मार्क थे आपके, वो मार्क से प्रॉपर बिठाना है, जो उसकी डिजाइनिंग होती है बॉल की उसी तरह से बिठाइए, अदरवाइज सीपीयू उल्टा बिठा देंगे आप तो आईसी वगैरह शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू हम अभी लगा लेंगे, और लगाने के बाद चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है, और ऑन होता है तो फिर कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखें, सारी चीज आपको देखनी होती है इसमें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरफ से हम हीट देंगे इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि उस साइड से हीट देंगे तो इमेंसी में जा सकती है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, जो आपको कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं हम यहाँ से हीट आप दोगे तो वो बाहर की तरफ निकलेगी, वो यूएफएस में हीट इसका नहीं जाएगा। तो सीपीयू लगाने के बाद थोड़ा सा टच करके चेक कर लेंगे अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है, उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा मदरबोर्ड तो ऑन करके चेक कर लेंगे। तो यहां से थोड़ा सा टच कर लेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये फाइनल टच होता है। इसके लिए आपको हैंड सील की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज साइड में जो दूसरे एसियां हैं या कंपोनेंट है वो आप निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये सब काम जो है हैंड स्किल की बात है, ये जो कि आपको एक अच्छा मास्टर, अच्छा टीचर ही सिखा सकते हैं। आप आना है तो आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये। चलिए हैंडसेट को ऑन करके चेक करते हैं हमारा सीपीयू प्रॉपर लगा कि नहीं लगा, और एक बार कैमरा भी लगा लेंगे ताकि कैमरे चेक करना है। मोबाइल तो हमारा ऑन ही था लेकिन कैमरा हैंग हो रहा था, स्टक हो रहा था, फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, बैक कैमरा तो आ रहा था लेकिन जैसे हम फ्रंट कैमरे में डाल रहे थे तो हैंडसेट हैंग हो रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैमरे वगैरह भी आप चेक कर लेते हैं, कैमरे भी चेंज कर लेते हैं, कैमरे की सप्लाई कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेट में काम नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, सिग्नल का प्रॉब्लम हो जाता है, जो डाटा आ रहा है सीपीयू से वो ड्राई सोल्डिंग हो जाने के कारण फोन हैंग हो जाता है। जैसे कि आपने देखा I2C लाइन, SPI प्रोटोकॉल, सारी चीज हम क्लास में बताते हैं। इसमें कैमरे के लिए एक मास्टर क्लॉक की भी सप्लाई आती है, और कैमरे टू कैमरा दूसरे कैमरे के कनेक्शन में भी एक सप्लाई मिलती है आपको, जो कि वी सिंक के नाम से होती है, या डुअल कैम एक्स के नाम से आपको मिलेगी। तो सारी चीज मैं क्लास में बताता हूँ कि एक कैमरे की वजह से दूसरा कैमरा कैसे ओपन हो रहा है, दो दो तीन तीन कैमरे होते हैं बैक में या फ्रंट में, दोनों में कैसा कनेक्शन होता है, क्या कनेक्शन होता है। इससे पहले भी हमने एक कैमरे के ऊपर वीडियो डाला था जिसमें आपका कैमरा एरर का वीडियो प्रॉब्लम था, बट इसमें फ्रंट कैमरा ओपन ही नहीं होता है, लेकिन हैंग हो जाता है, ना तो फिर बैक जाता है ना तो फिर फ्रंट आता है कैमरा। तो कैमरे हमने फिट कर लिया है अच्छे से, एक बार बैक ढक्कन भी लगा लेते हैं, और उसके बाद मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे कि फ्रंट कैमरा हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मोबाइल को ऑन कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों हमारे वीडियोस आपको कभी कभार लेंथी मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि नॉलेज जो होती है फ्रेंड्स आपको बहुत नॉलेज मिलेगी सीखने के लिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स हैंडसेट हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है, और एक बार कैमरा भी ओपन करके चेक कर लेंगे कि कैमरा हमारा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो बैक कैमरा तो हमारा ओपन हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक बार फ्रंट कैमरा भी देख लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट कैमरा भी हमारा ओपन हो चुका है। और पहले जब फ्रंट में ले रहे थे तो हैंग हो रहा था, देख सकते हैं पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी सीखने मिला जरूर लाइक करें, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर भेजें, और जुड़ जाइए फोनफिक हैदराबाद टीम के साथ। अपने आप को अपडेट करिए इस तरह से। नेक्स्ट बैच 27 अक्टूबर से है, बुक करना है। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।